किसान साथियों, वैसे तो सोनालिका कंपनी के पास में टाइगर सीरीज में सीआरडीएस सीरीज के अंदर मल्टीपल ट्रैक्टर्स आते हैं वेरिएंट के साथ में। 75 हॉर्स पावर से स्टार्ट होते हैं, 75, 65 और 60 और 55 हॉर्स पावर का सीआरडीएस इंजन के साथ में ट्रैक्टर आप ले सकते हैं। अभी उसी सीरीज में से मैं आपको ट्रैक्टर दिखाने लाया हूँ, सोनालिका कंपनी का टाइगर DI-60 CRDS M4 emissions norms के साथ में ट्रैक्टर आता है। अब इस ट्रैक्टर में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और कंपनी ने इसमें क्या क्या फीचर ऐड किए उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की अगर बात करी जाए तो सोनालिका कंपनी का टाइगर सीरीज जो है यूरोपियन डिजाइन के बेस पे यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले इंटरनेशनल डिजाइन है, आप देख सकते हैं काफी सुंदर यहाँ पे ट्रैक्टर दिखता है। सामने की तरफ से बात करी जाए तो ट्विन बैरल के साथ में हेडलाइट दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेडलाइट्स हैं वो ट्विन बैरल के साथ में है और सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ में ही हेडलाइट यहाँ पे डिजाइन करी गई है। हेडलाइट इसमें जो असेंबली है, पहली जो मेन हेडलाइट है इसमें आपको बड़े हेलोजन बल्ब के साथ में बल्ब देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी यूनिट देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा DRL लाइट, जैसे कि कारों में आप देखते हैं डे टाइम रनिंग लाइट भी इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सोनालिका कंपनी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, टाइगर सीरीज का लोगो यहाँ पे दिया गया है जो कि काफी लुक ट्रैक्टर का बढ़ा देता है। उसके अलावा फुली एरोडायनेमिक शेप के साथ में इसका बोनट आपको देखने को मिलेगा जो कि डीजल की बचत इसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं फ्रंट एक्सल जो है एडजस्टेबल दिया गया है। आलू की खेती है, प्याज की खेती है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आप जो है इसको एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो फ्रंट में आप देख सकते हैं 55 किलो की कैपेसिटी के साथ में वेट कैरियर दिया गया है, टो हुक के लिए भी अलग से स्पेस इसमें आप देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ में इसमें जो फ्रंट चूल्हा है इसका क्रोमकास्ट फिनिश के साथ में दिया गया है और बम्पर लगाने के अलग से यहाँ पे जगह भी इसमें देखने को मिल जाती है। पावर स्टीयरिंग की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। डुअल एक्टिंग होने से स्टेबिलिटी जो है रोड पे हो या फिर खेत के अंदर हो काफ़ी अच्छी बनी रहती है और नीचे की तरफ इसमें आपको यहाँ पे गार्ड भी जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साइड प्रोफाइल से बात करी जाए तो ट्रैक्टर का साइड लुक आप देख सकते हैं, कैनोपी होने से काफ़ी ट्रैक्टर का लुक बढ़ गया है। सोनालिका कंपनी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा हैवी ड्यूटी माइलेज की ब्रांडिंग है, तेल में डूबे और डिस्क ब्रेक हैं, मल्टी स्पीड शटल टैक यानी 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स की स्पीड के साथ में ट्रैक्टर आता है। टाइगर DI-60 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी जो कि इस ट्रैक्टर के लुक को और भी बढ़ा देती है। उसके बाद बोनट को अगर खोल के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पीस हुड के साथ में ट्रैक्टर आता है। सिंगल पीस बोनट होने से अगर मेंटेनेंस कार्य अगर आपको करना है तो आसानी से आप इसको ऊपर की तरफ खोल के कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी वाइडर लुक के साथ में इसका जो बोनट है ऊपर की तरफ खुलता है। मेंटेनेंस कार्य अगर इंजन वगैरह सर्विस वगैरह की भी आपको करनी है तो किसी प्रकार की समस्या इसमें आपको नहीं आएगी। उसके अलावा बैटरी का जो स्थान है वो आगे की तरफ यहाँ पे रखा गया है। चूल्हे के अंदर इसका जो फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है, वो जो बैटरी का स्थान है वो भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा जो इसमें एयर क्लीनर है वो आप देख सकते हैं ड्राई टाइप का ही एयर क्लीनर दिया गया है क्लोगिंग सेंसर के साथ में। जो क्लोगिंग सेंसर है यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिलेगा, बाय चांस अगर ये एयर क्लीनर चोक हो जाता है उसका संकेत आपको मीटर कंसोल के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो रेडिएटर है एल्युमिनियम की जाली के साथ में दिया गया है, बट इसमें सामने की तरफ एक एडिशनल जाली भी यहाँ पे दी गई है जिसमें अगर भूसे वगैरह में ट्रैक्टर नहीं धान की खेती में ट्रैक्टर को चला रहे हैं फिर किसी ऐसी जगह पर ट्रैक्टर चला रहे जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है तो यहाँ पे डुअल प्रोडक्शन इसको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अब बात करी जाए इस ट्रैक्टर के इंजन की तो इसमें TRAM4 एमिशंस के साथ में आने वाला इंजन देखने को मिल जाता है। एमिशन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि भारत स्टेज TRAM4 सीरीज के अंदर इसका इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। जो इंजन है आप देख सकते हैं फुली कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ में दिया गया है। इंजन की बात इसमें आप देख सकते हैं 4-स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड वाटर कूल्ड कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा। सीसी की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 4712 सीसी का इंजन दिया गया है, 4 सिलेंडर के साथ में आता है। टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 252 Nm यानी 252 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा जो कि 60 HP के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन टॉर्क इस ट्रैक्टर का आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बोश कंपनी का यहाँ पे डीजल पंप देखने को मिलेगा और जो कॉमन रेल है आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से असेंबली इसकी तैयार करी गई है। यहाँ पे अलग से सेंसर लगाया गया है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं DOC सिस्टम है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट सिस्टम दिया गया है जो कि कंबशन चैम्बर के अंदर जो हार्मफुल गैसेज होती है उसको कन्वर्ट करने का यहाँ पे कार्य करता है। EGR वाल्व यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व भी इसमें आपको देखने को मिलेगी जो कि कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर भी डाउन करती है। उसके साथ साथ में जो कंबशन चैम्बर के अंदर हार्मफुल गैसेज होती हैं उसको भी यहाँ पे कम करने का कार्य करती है।
उसके बाद जो कूलिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर कूल इंजन दिया गया है। कूलेंट की बोतल अलग से रिकवरी बोतल यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि रिजर्वायर के साथ में आती है। उसके साथ साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, और 4 सिलेंडर होने से भी आपको यहाँ पे देखते हो जो पावर है काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में इसका जो हेड है, आप देख सकते हैं पिस्टन का जो हेड है उसके अंदर आपको सेपरेट पिस्टन है, तो सेपरेट हेड दिए गए हैं। अगर किसी एक पिस्टन में भी दिक्कत आ जाती है तो आपको एक ही पिस्टन का हेड खोलने की जरूरत पड़ेगी, पूरी असेंबली खोलने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक का पंप है ऑयल की सप्लाई के लिए, यहाँ पे सेपरेट दिया गया है। उसके साथ साथ में जो पावर स्टीयरिंग की ऑयल की सप्लाई भी जो है सेपरेट कंटेनर के साथ में दी गई है। सेपरेट कंटेनर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी असेंबलीज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है। सेपरेट कंटेनर होने से ऑयल की जो सप्लाई काफ़ी अच्छी तरीके से बनी रहती है, जो चिकनाई है ऑयल के अंदर काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, जो कि पावर स्टीयरिंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं जो डीजल फिल्टर हैं, 2 यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। जो मेन डीजल फिल्टर है ये सेंसर के साथ में कनेक्टेड है, और नीचे की तरफ यहाँ पे वाटर सेपरेटर का भी यहाँ पे कार्य करता है। डीजल के अंदर पानी की मात्रा आ जाती है, इसको बाहर निकालने का भी यहाँ पे कार्य करता है। उसके बाद डीजल टैंक की बात करें तो इसमें आपको देख सकते हैं डीजल टैंक का कवर अलग से डिज़ाइन किया गया है, सिल्वर क्रोम फिनिश के डिज़ाइन में। चाबी से लॉक होता है, चाबी से बंद होता है, और जो कैपेसिटी है वो 65 लीटर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। और टैंक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल बॉडी के साथ में दिया गया है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो फुली फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, बट इस ट्रैक्टर के अंदर जो पैडल है, चाहे वो ब्रेक का हो या फिर क्लच का हो, नॉर्मल पुश पैडल दिए गए हैं, सस्पेंशन पैडल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए यहाँ पे सिंगल फुटस्टेप देखने को मिल जाता है। काफ़ी खुला और बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। जो सीट है काफ़ी डिलक्स सीट दी गई है, उसका जो कुशन है काफ़ी सॉफ्ट है, और जो चौड़ाई है सीट की वो भी काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ा फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर है डीजल की बचत के लिए, इसमें आपको 3 मोड यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं, पावर मोड, नॉर्मल मोड और इकोनॉमी मोड। अगर आपको पावर की जरूरत है तो पावर मोड में आप ट्रैक्टर को चला सकते हैं फुल 60 हॉर्स पावर की पावर के साथ में। नॉर्मल मोड में अगर आप नॉर्मल ट्रैक्टर का वो लेके जा रहे हैं कहीं खेत में ट्रॉली के साथ में, तो यहाँ पे नॉर्मल मोड में चला सकते हैं। इकोनॉमी मोड में अगर आप नॉर्मल ही खेत में जा रहे हैं विदाउट किसी इंप्लीमेंट के साथ में, तो इकोनॉमी मोड का यहाँ पे इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। 3 जो मोड हैं डीजल की बचत के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं, काफ़ी यूजफुल ये फीचर आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह से दिया गया है, और जो मीटर कंसोल है यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग 2 तरीके का यहाँ पे दिया गया है। और जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं, जो स्पेस है काफ़ी बड़ा स्पेस इसमें आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ी MID स्क्रीन है। यहाँ पे आप टाइम चेक कर सकते हैं, घंटे चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ में ट्रैक्टर का जो मेन मोड है, कौन से मोड में ट्रैक्टर चल रहा है, वो भी आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। RPM मीटर साइड में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के इंजन का टेम्परेचर कितना है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अलग से मीटर यहाँ पे लगाया गया है एनालॉग तरीके से। डीजल कितना है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ में इसे ट्रैक्टर के अंदर अगर आप स्टार्टिंग में मीटर को देख साथ स्टार्टिंग में अगर मीटर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे संकेत, बहुत सारे संकेत इसमें आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, उसके अलावा RPM से हो, PTO कौन सी स्पीड में आप चला रहे हैं, वो भी सारे संकेत जो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा किसान साथी, उस ट्रैक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट देखने को मिलेगा, यानी ECU सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे जो असेंबली है नीचे की तरफ यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है। उसके अलावा जो ECU सिस्टम है ये ट्रैक्टर के अंदर अलग से दिमाग लगाया गया है, जिसमें अगर कितनी पावर की जरूरत आपको ट्रैक्टर के अंदर है, मान लो आपको हैरो चलानी है, ट्रॉली में ट्रैक्टर चलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ट्रैक्टर डीजल लेगा। ECU सिस्टम जो है हर एक सेंसर के साथ में कनेक्टेड रहता है, चाहे वो केम साफ्ट में हो या फिर डीजल टैंक में हो, सारी जगह ही सेंसर यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके साथ साथ में जो एक्सीलरेशन पैडल है यहाँ पे भी अलग से एक सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गियर बॉक्स की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको हाई, लो, मीडियम 3 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, और सुपर शटल लीवर के साथ में ट्रैक्टर आता है। जो गियर बॉक्स है फुली कॉन्स्टेंट मैस ट्रांसमिशन के साथ में दिया गया है, भागते हुए ट्रैक्टर में आप आसानी से गियर जो है बदल पाएंगे। उस इस प्रकार से यहाँ पे शटल लीवर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ट्रैक्टर के टर्निंग गियर्स की बात करी जाए, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। जो टर्निंग रेडियस आप देख सकते हैं, इंजन साउंड की बात करी जाए, ट्रैक्टर का जो इंजन साउंड है काफ़ी मक्खन हो गया, किसी तरह की ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइब्रेशन जो ट्रैक्टर के अंदर नहीं देखने को मिलती है, और जो
एक्सीलरेशन पैडल है, उसका क्विक रिस्पॉन्स जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस शटल की मदद से ही ट्रैक्टर को आप आगे की तरफ कर सकते हैं, पीछे की तरफ कर सकते हैं सेम गियर के अंदर। अभी आप देख सकते हैं मैंने हाई का पहला गियर लगा रखा था, तो सेम गियर में रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सेम गियर में आप रिवर्स कर सकते हैं और सेम गियर में इसको आगे सारे से यहाँ पे कर सकते हैं। चाबी की मदद से ही ट्रैक्टर के इंजन आसानी से बंद यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको IPTO लीवर यानी इंडिपेंडेंट क्लच लीवर इसमें आपको देखने को मिलेगा। PTO के लिए सेपरेट क्लच यहाँ पे दिया गया है और जो PTO की स्पीड है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको रिवर्स PTO देखने को मिल जाती है। 540 RPM की स्पीड भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। जो पार्किंग का ब्रेक है आपको साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक के लीवर हैं आप देख सकते हैं फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में दिए गए हैं और जो गियर बॉक्स है ट्रैक्टर के अंदर आपको सेम 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स का स्पीड देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सेफ्टी के लिए ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। उसके बाद दूसरी साइड प्रोफाइल से बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4D कूलिंग सिस्टम के साथ में ट्रैक्टर आता है। पावर स्टीयरिंग है, CRDS इंजन, ट्रम्फ 4 सीरीज का इंजन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर स्टिकर लगाया गया है, डिजाइन इन यूरोप का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्मूथ शिफ्टिंग यहाँ पे जो शटल लीवर है उस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा एक्सो सेंसिंग हाइड्रोलिक लीफ में आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ में पार्किंग लाइट की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से DRL यूनिट LED के साथ में दी गई है और जो मेन इंडिकेटर लाइट है और पार्किंग लाइट है वो आपको हलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ में ट्रैक्टर के जो पैसेंजर के लिए सीट है वो यहाँ पे देख सकते हैं कुशन अलग से दिया गया है, काफ़ी कम्फर्टेबल इसको बना देता है। उसके बाद इसके रियर एक्सल और हाइड्रोलिक की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हो जो रियर एक्सल है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। बुलन पिनियन की गिरारी के साथ में इसका जो एक्सल है आपको देखने को मिलेगा यानी सिंगल रिडक्शन सिस्टम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जो हाइड्रोलिक है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2200 किलो की कैपेसिटी के साथ में दी गई है, फुली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोलर के साथ में आती है। एक्स्ट्रो सुपर हाइड्रोलिक कंपनी इसको बोलती है जो कि काफ़ी उत्तम तकनीक यहाँ पे कंपनी इसको यहाँ पे बोलती है। जो ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल है काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहने वाला है, एक समान गहराई के लिए काफ़ी यूज़फुल जो है ड्राफ्ट लीवर आपके लिए रहेगा। उसके बाद इस ट्रैक्टर के अंदर आपको रिमोट वॉल अलग से फीचर देखने को मिलेगा, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग अगर आपको चलानी है तो अलग से लीवर नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ट्रॉली का जगह आपको उठाना उसके लिए भी अलग से सेपरेट लीवर इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इसमें फैक्ट्री फिटेड सेफ्टी के लिए रोप्स प्लस कैनोपी दी गई है जो कि कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। इसका जो निचला भाग है वो ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है, ऊपर वाला भाग में व्हाइट कलर का दिया गया है। मेन जो आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर की जो कैनोपी है आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सल से ऊपर यहाँ पे कनेक्टेड जो देखने को मिल जाती है जो कि सेफ्टी रेटिंग को काफ़ी बढ़ा देती है। सेफ्टी के लिए सेक्टर में काफ़ी अच्छे फीचर यहाँ पे सोनालिका कंपनी ने ऑफर किए हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। रोप्स कैनोपी हर एक ट्रैक्टर के अंदर अनिवार्य यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा रोड की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है, वोटर होल्डर भी देखने को मिल जाता है और जो रियल टेल लैंप है बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे LED लाइट अलग से दी गई है और जो मेन लाइट्स हैं आपको हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ में अब बात करें इस ट्रैक्टर की SFC और PTO पावर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर की जो मैक्स PTO पावर है 56.8 HP की देखने को मिल जाती है। जो SFC है 1 H बनाने में 1 घंटे में ये ट्रैक्टर 202 ग्राम यहाँ पे डीजल लेता है। आगे बढ़ते हुए टायर साइज की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो रियर टायर साइज है आप देख सकते हैं 16x28 के साइज में दिया गया है। उसके साथ साथ में यहाँ पे अलग से जो है ट्रैक्टर के व्हील के अंदर स्लिपेज का इशू ना आए उसके लिए 34 किलो की दोनों ही साइड आपको वेट प्लेट यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है और स्लिपेज का इशू खेत के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ्रंट टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 7x16 के साइज में फ्रंट टायर का देखने को मिल जाता है। 4-व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ में ट्रैक्टर को आसानी से खरीद सकते हैं, कंपनी यहाँ पे ऑप्शन जो है अवेलेबल करवाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर इस ट्रैक्टर को आप पंजाब के पठानकोट जिले में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे डीलरशिप का एड्रेस कुछ प्रकार से यहाँ पे दिया गया है और ट्रैक्टर का जो कीमत है आप सोनालिका कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको जानकारी नहीं मिलती है तो ट्रैक्टर जंक्शन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ में tractorjunction.com वेबसाइट पे भी यहाँ पे आप आसानी से विजिट कर पाएंगे। वो जो प्लेटफॉर्म है स्पेशल आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है। उसके साथ में दोस्तों 60 HP श्रेणी के अंदर अगर आप CRDS इंजन या ट्रम्फ 4 सीरीज का इंजन देख रहे हैं तो सोनालिका कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि हर एक कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बेचती है अपने अकॉर्डिंग, चाहे उसमें चाहे कोई भी स्टेट हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी स्टेट हो। लेकिन अभी CRDS इंजन के अंदर आपको सोनालिका कंपनी ने काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन जो है अवेलेबल करवा दिए हैं, चाहे वो 55 HP में हो, 60 HP में हो,
65 हॉर्स पावर में हो या फिर 75 हॉर्स पावर में हो, पूरी CRDS जो सीरीज है सोनालिका कंपनी की काफ़ी एक अच्छा विकल्प आपके लिए बन सकता है। तो उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी है सोनालिका DI-60 टाइगर ट्रैक्टर के बारे में। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्टर है CRDS इंजन के साथ में आता है और इस ट्रैक्टर में फुल पावर जो है 60 हॉर्स पावर की आपको देखने को मिल जाएगी। यूरोपियन डिज़ाइन है, काफ़ी इंटरनेशनल डिज़ाइन के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।